सुपर एट मध्ये जातील। आजचा पहिला दिवस आणि अंतिम दिवशी त्या आठ टीम एकमेकांसमोर खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतील। पहिला गोलंदाज दर्या कोळी, यावेळी शॉर्ट पिच बॉल होता, बघूया लेग साइडला हा पिचिंग करणारा चेंडू। एक्स्ट्रा रन टीमच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल, एक्स्ट्रा बरोबर टीमची धाव संख्या इथं मात्र अकाउंट ओपन करून देते। चांगली सुरुवात या ठिकाणी मात्र मिळाली आहे, परंतु दर्या कोळी एक असा गोलंदाज या नावडे टीमचा आहे जो मात्र कोणत्याही क्षणी मॅच फिरवण्याची ताकद ठेवतो। यावेळेस ऑफसाईडला या चेंडूची पिचिंग दाखवली जाते पंचाच्या माध्यमातून। एक रन लेग बाय स्वरूपामध्ये मिळेल आणि एका धावेबरोबर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे दोन वर। एक चेंडू पूर्ण केला, ऑफिशियली विचार करायचा झाला तर अजून एकही धाव मात्र खर्च केलेली नाहीये व्हाईट चेंडू वगळता। या ठिकाणी पुन्हा एकदा सुरेख गोलंदाजी, हेच सांगण्याचा प्रयत्न करतो की जरी पहिल्या चेंडूवरती वाईट असला तरी देखील या दर्या कोळीकडे इतका अनुभव या क्रिकेटचा आहे की जो कोणत्याही क्षणी मॅच फिरवण्याची ताकद आपल्या मनगटामध्ये ठेवतो। क्रिकेट आहे, क्रिकेटने आजपर्यंत खूप साऱ्या लोकांना हिरो बनवले, खूप साऱ्या लोकांना झिरो बनवले, तर इथे मात्र तीन क्षेत्रक्षक चेंडू मागे धावतात। चांगलं क्षेत्रक्षक त्या ठिकाणी झाले, दोन धावा पूर्ण, तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि यशस्वी होतील। तीन धावा कंप्लीट होत आहेत आणि या तीन धावांबरोबर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे पाचवर। तीन चेंडूचा खेळ आतापर्यंत झालाय आणि तीन चेंडूच्या समाप्तीनंतर पाच धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लागल्यात। खूप चांगला खेळ या ठिकाणी मात्र दाखवलाय आतापर्यंत दोन्ही बॅट्समनने। तीन ओव्हरची मॅच आहे, किमान तुम्हाला 30-35 धावा या ठिकाणी उभाराव्या लागतील। फायटिंग स्कोर तोच असेल या मैदानावरचा। यावेळेस मात्र नजाकत भरलेला फटका अनसाईडला फेकून दिला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून, सहा धावांसाठी दणदणीत षटकार। बँडेड मैदानामध्ये घेऊन जायचं आहे फर्स्ट एड बॉक्स ज्यामध्ये बँडेड आहे, तर जाता मैदानामध्ये। पुन्हा एकदा या ठिकाणी मात्र ही मॅच सुरू होत असताना आपण पाहू शकाल एक षटकार जरूर या ठिकाणी बॅट्समन रोशनच्या माध्यमातून आलाय, तर दिलासा देणारा षटकार असेल मित्र म्हणेन। टोटल धावसंख्येचा विचार केला 11 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लागल्यात। या ओव्हरचे अजूनही दोन बॉल शिल्लक असतील। हा देखील चेंडू जबरदस्त ऑफ साइडला, फटका चांगला आहे। लॉंग ऑफच्या दरम्यान हा चेंडू ट्रॅव्हल होईल आणि तिथे मात्र आपण पाहू शकाल पंचाचा इशारा काय येईल ते पाहावं लागेल। तर जो खेळाडू त्या ठिकाणी आहे तर इशारा कळवा। तर चार धावा चौकाराचा इशारा येतोय। स्पोर्ट्समनशिप स्पिरिट या ठिकाणी मात्र दाखवली जाते। या ठिकाणी ऑन साइडला फटका मिडॉनचा खेळाडू वेगाने येतोय, एक धाव पूर्ण केली जाईल आणि एकाच धावेवरती समाधानी व्हावं लागते। या एका धावेबरोबर टीमची धावसंख्या जाऊन पोचली आतापर्यंत 16 या आकड्यावरती, 16 रन स्कोरबोर्डवरती आहेत। पहिल्या ओव्हरची समाप्ती या ठिकाणी पाहायला मिळते, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 16 वर जाऊन पोचली आहे। नेक्स्ट बॉलर प्रमोद स्वतः गोलंदाजी मार्कवरती येतोय। शॉर्ट पिच बॉल होता, यावेळेस मात्र ऑफ साईडला नो मॅन झोनमध्ये चेंडू लँड करेल। एक रन पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होण्या अगोदर मात्र मैदानाने इथे मात्र साथ दिले प्रमोदला। खूप चांगला प्रयत्न, प्रयत्नांना यश मिळते। या ठिकाणी आपण पाहू शकाल
एक धाव मात्र कंप्लीट के लिए जाती है एका धावे बरोबर। या वेळेस मात्र आपण पाहू शकाल की काय गोलंदाजी कोणत्या एंगल ने होती है, कोणत्या इरादाने ही गोलंदाजी केली जाते का कि पहिल्या ओवर मध्ये 16 धावा आल्यात आणि त्याचं प्रतिउत्तर देत असताना प्रमोदला आपण पाहतो शॉर्ट पिच बॉल, अशी गोलंदाजी तुम्ही नाही करू शकत कारण की प्रत्येक बॅट्समन या चेंडूची वाट पाहत असतो आणि तोच इथे मात्र नजारा पेश करत असताना सादर करत असताना बॅट्समन बंटी याला आपण पाहू शकाल रोशन बंटी याच्या माध्यमातून षटकार जरूर आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि षटकाराबरोबर टीमची धाव संख्या जाऊन पोहोचले 23 रन स्कोरबोर्ड वरती आहेत। चांगली सुरुवात या ठिकाणी मिळाली आहे, 3 ओव्हरची मॅच आहे आणि या 3 ओव्हरच्या मॅच मध्ये खूप काही दर्शन या ठिकाणी मात्र घडवले जातात या धावांच्या रूपाने। ऑफ साइडला थोडासा बाहेर ठेवला होता हा चेंडू, बॉडीपासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटला ब्रस्ट केल्यानंतर चेंडू मात्र एका धावेसाठी त्या ठिकाणी फर्स्ट स्लिपच्या दिशेने निघून जातोय। या एका धावेबरोबर टीमची धाव संख्या 24 वर जाऊन पोहोचली। पुन्हा एकदा प्रमोद राईट आर्म ओव्हर द विकेट, यावेळचा चेंडू ऑन साइडला मिड विकेटला खेळाडू आहे, टू बाउंस चेंडू कलेक्ट केला जाईल, तिथे मात्र एक रन पूर्ण केली जाते। व्हेरी गुड थ्रो, खूप चांगला थ्रो या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळतोय आणि त्यातून मात्र एकच धाव खर्च केली जाते। एका धावेबरोबर टीमची धाव संख्या जाऊन पोहोचली आहे 25, 25 रन स्कोरबोर्ड वरती आहेत। हा देखील फटका चांगला आहे, गल्ली क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करतो, क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे वेगाने धावतोय, चेंडू आणि क्षेत्ररक्षकाच्या रेस मध्ये चेंडूचा विजय होतोय, चेंडू निघून जातो सीमारेषा पार, आणखीन एक चौकार। टीमची धाव संख्या 29 वर जाऊन पोहोचली 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर। मी विचार केला होता की ही धाव संख्या जर 30-35 आसपास गेली तर मात्र एक फायटिंग स्कोर उभा राहील, दोनच षटकांमध्ये धावा झाल्यात 29, अजूनही शेवटचं स्लॉगिंग ओव्हर येणं बाकी आहे आणि या स्लॉगिंग ओव्हरमध्ये कोणता गोलंदाज या धावा थांबवेल, अगदी 5-6 धावा जर या ओव्हरमध्ये खर्च झाल्या तर मात्र थोडंसं कठीण होऊन बसेल ते म्हणजे अर्थातच वॉलअप टीमला। पहिल्यांदा बॅटिंग स्वीकारली आहे कारण की अंदाज पूर्णपणे आहे की अंधार पडेल, पहिल्यांदा बॅटिंग करून घेतली तर मात्र ते फायदेशीर ठरेल आणि त्या केवळ उद्देशाने या ठिकाणी मात्र बॅटिंग पूर्ण करण्याचं काम हे बॅट्समन करतात। यावेळेस ऑन साइडला चांगला फटका आहे, क्षेत्ररक्षक तिथे मागे चेंडू मागे धावत आहेत आणि इथे मात्र 2 रन वेगाने कंप्लीट केल्या जातील। खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी मात्र आपल्याला पाहायला मिळते। या 2 धावांबरोबर टीमची धाव संख्या 31-31 रन स्कोरबोर्ड वरती आहेत। शेवटचा गोलंदाज या ठिकाणी आदिनाथ पाटील याला आपण पाहतोय, जो मागच्या सामन्याचा हिरो ठरला होता, मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार ज्याच्या नावे आपल्याला पाहायला मिळाला तोच आदिनाथ पाटील। पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट, मोठा फटका रोशनच्या बॅटमधून यावेळेस संध्याकाळच्या सत्रामध्ये। ओ हो हो, वडा कॅच परंतु तिथे असफल ठरलेली ही कॅच देऊन जाईल आपल्या टीमसाठी या 6 धावा। लवली चांगला प्रयत्न होता परंतु प्रयत्नांमध्ये अपयश आले, हेच क्रिकेटमध्ये दाखवावं लागतं मित्रांनो, 100% द्या त्यातून मात्र काहीतरी मिळेल। 6 धावा अडवण्याचा प्रयत्न जर केला असता तर 2 धावा अडल्या असत्या, परंतु हिमतीला दाद द्यावी लागेल की त्याने मात्र झेल घेण्याचा प्रयत्न केला की जर हा बॅट्समन आउट झाला तर मात्र कदाचित वल्लभ संघ प्रेशरमध्ये येऊ शकतो। या इराद्याने केलेला हा प्रयत्न थोडासा असफल ठरतोय। 3 चेंडूचा खेळ या ठिकाणी संपलाय, टीमची धाव संख्या जर पाहिली तर 38 रन 3 लास्ट 3 बॉल्स टू गो। फुलटॉस होता यावेळेस देखील, स्क्वेअर ऑफ द विकेट हा चेंडू ट्रॅव्हल करतोय, 1 रन पूर्ण दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि इथे मात्र बघता बघता 2 धावा देखील पूर्ण होतील। या 2 धावांबरोबर टीमची धाव संख्या 40 रन स्कोरबोर्ड वरती आहेत। आता मात्र दबाव असेल I-11 नावडे टीम वरती कारण की त्यांना माहीत आहे की 3 ओव्हर मध्ये 40 धावा हे काढणं बहुतेक वेळा कठीण होऊन बसतं, परंतु क्रिकेट आहे, त्यांच्याकडे देखील ताकद आहे, त्यांच्याकडे देखील त्या ताकदीचे बॅट्समन आहेत की जे या धावा चेस करण्याची हिंमत आपल्या मनगटामध्ये ठेवतात।
हा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न ऑन साइडला पुन्हा एकदा मिडऑनला क्षेत्ररक्षक नाहीये तिथे मात्र बॉलर स्वतः धावतोय आणि एक रन कंप्लीट केल्यानंतर दुसरा धावेचा प्रयत्न सफल शेवटचा बॉल या ठिकाणी मात्र तुमच्या समोरील टीमची धावसंख्या 42 42 रन स्कोरबोर्ड वरती आहेत या इनिंग मधला हा शेवटचा बॉल टाकण्यासाठी सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्क वरती आदिनाथला आपण या ठिकाणी पाहू शकाल 42 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लागल्यात रेडी राहायचं लगेचच वल्लभ टीम क्षेत्ररक्षणासाठी वन लास्ट बॉल टू गो सुरेख फटका यावेळेस मात्र लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफच्या मध्ये हा चेंडू ट्रॅव्हल होतोय लॉन्ग ऑफचा खेळाडू पुढे येऊन चेंडू उचलून फेकतोय तोपर्यंत मात्र इथे या दोन धावा आणखीन पूर्ण केल्या जातील या दोन धावांबरोबर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 44 45 धावांचं टार्गेट आहे येणाऱ्या 18 चेंडूंमध्ये तत्पूर्वी ती ऑफिशियल अनाउन्समेंट या ठिकाणी पुन्हा एकदा आमच्या माध्यमातून केली जाईल गावदेवी क्रिकेट क्लब पेंधर यांच्या वतीने आयोजित केली जाणारी दरवर्षीची नाईटची स्पर्धा अर्थातच इंदुहृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे स्मृती चषकाचं आयोजन या ठिकाणी यावर्षी केलं जाईल असे आयोजक सन्माननीय श्री उत्तमजी काणा भोईर यांच्या माध्यमातून ऑफिशियल अनाउन्समेंट आली आहे या स्पर्धेची तारीख अजूनही पेंडिंग असली तरी थोड्या दिवसात ती तारीख तुमच्यापर्यंत येईल अशी ग्वाही या ठिकाणी देतो या स्पर्धेत मला इन्व्हाइट करून या स्पर्धेमध्ये समालोचन करण्याची संधी दिली त्याबद्दल गावदेवी क्रिकेट क्लब पेंधर आणि समाधानजी भोईर यांचं मी आभारी आहे नगरसेवक चषक 2021ला माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा तुर्तास या स्टेजवरून मी रजा घेतो धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र जय क्रिकेट थँक्यू व्हेरी मच हॅलो हॅलो थँक्यू सो मच हर्षल सर मडवी अतिशय गोड आवाज आपण पूर्ण दिवसभर त्यांचा ऐकत होतो तर त्यांचा मान सन्मान करणं हे आमचं आद्य कर्तव्य तर या स्पर्धेचे मुख्य अविभाज्य गटात समाधानजी भोईर यांच्या शुभास्ते आम्ही त्यांना सन्मानित करतोय माईचे उपदार शाल स्पर्धेची आठवण राहावी म्हणून सन्मान चिन्ह अतिशय चांगला आवाज आपण ऐकला असंच प्रतिसाद आणि अशीच आमच्या साथ द्या तर थँक्यू सो मच अर्शल सर आपण या ठिकाणी आलेत प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं त्याबद्दल तुमचं देखील आभार करतोय थँक्यू सो मच चले दोस्तों तो फिर से एक बार सभी दर्शकों को साई राजे का शानदार भरा नमस्कार 18 गेंदे और जीत की बात करेंगे 45 रन की जरूरत है 15 के औसत के साथ बल्लेबाजी करनी होगी इस बार I-11 नावड़े टीम को नावड़े टीम की आरंभिक जोड़ी बीच मैदान के अंदर प्रस्थान कर चुके हुए आने वाले 18 गेंदे और जीत की बात करेंगे तो 45 रन बनाने प्रमोद और बिल्कुल आदिनाथ की जोड़ी बीच मैदान के अंदर प्रस्थान कर चुके चलिए अंपायर उन्हें वार्न कीजिए फील्ड की रचनाएं जल्द से जल्द करें अन्यथा आपको बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा दोस्तों पहली गेंद गेंदबाजी इस बार वल्लभ टीम के माध्यम से प्रवीण टेम्बे द्वारा ढेर सारी शुभकामनाएं आती हुई थैंक यू सो मच प्रवीण टेम्बे जी 18 गेंदे 45 रन इस बार 15 के औसत के साथ बल्लेबाजी करनी होगी मैन एंड पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए आप पहुंचे हैं जय हनुमान वल्लभ टीम के आरंभिक गेंदबाज ऋतिक सामना करेंगे प्रमोद 15 के औसत के साथ बल्लेबाजी करनी होगी यदि इस मैच को जीतना है तो मैन एंड पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन इस बार बनाने होंगे बल्लेबाजों को देखिए आकाश में पक्षी भी इस मैच का लुप्त उठाते हुए धीरे धीरे अपने घर का रास्ता नापते हुए पक्षी भी चले पहली गेंद ये गेंद ऑफ स्टिक के काफी बाहर दंडित घोषित किया सुजीत का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन मिलेगी और टीम का खाता भी खोला हुआ टीम नावड़े टीम के माध्यम से सामना करेंगे फिर से एक बार ओपनर बल्लेबाज प्रमोद के लिए पहली गेंद लोअर फुल टॉस की गेंद थी ऑफ स्टिक में रखना पसंद किया प्रमोद को लगा कि ये गेंद वाइड जा सकती है लेकिन ऐसा नहीं हमारे अंपायर की बिल्कुल नजरें तीक्ष्ण है अगली गेंद खेलने के लिए तैयार प्रमोद ये गेंद ऑफ स्टिक के काफी बाहर फिर से एक बार दंडित किया गेंदबाज को एक रन और जोड़ी जाएगी
तो चलिए दोस्तों फिर से एक बार गेंदे हो चुके शायद लगभग एक गेंद और टीम के टोटल की बात करेंगे तो इस बार अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में फेंकी हुई गेंद थी। इस बार बड़ा प्राण लगाने की कोशिश की थी लेकिन गेंदबाज बहुत ही शातिर है, ज़्यादा से ज़्यादा गेंदे ब्लॉक हॉल में फेंकते हैं। 15 की औसत के साथ बल्लेबाजी करनी है लेकिन टीम के टोटल की बात करेंगे, गेंदे हो चुके अब तक 2 और गेंदे बाकी है इस ओवर की 4, तो आने वाली गेंदे है 16 गेंदे और 43 रन। दिल्ली कोसों दूर, यदि दिल्ली तक पहुंचना है तो हवाई सफर, उड़ाने होंगे छक्के, उड़ाने होंगे चौके, बल्लेबाज तैयार। फुल टॉस गेंद थी, घुटने के तौर पर खेलने की कोशिश की थी, लेग भी बोर की कड़ी मांग, अंपायर सिग्नल, लेग बाइक का इशारा था, वह एक रन मिलेगी। एक रन से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है टीम जैन मान वल्लभ टीम का, इनमें से जीतने वाली टीम सीधा सुपर 8 के लिए क्वालिफाई होगी। नगर सेवक ट्रॉफी 2021 का एक शानदार पर्व चलता हुआ, बची हुई गेंदे है 15, जीत की बात करेंगे तो 42 रन चाहिए। सामना करेंगे फिर से एक बार एक बेहतरीन खिलाड़ी, दोनों टीम में प्रभावशाली खिलाड़ियों को भरना है। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, गेंद को उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री रेखा के बाहर, वन बाउंस बरार, 4 रन। इस 4 रन के साथ टीम का टोटल आगे पहुंचता हुआ 7 रन। चार गेंदे हो चुके टीम का टोटल की बात करेंगे तो 7 रन, 15 के औसत के साथ बल्लेबाजी करनी है अधीना स्ट्राइक इन के ऊपर। लॉब किया, बढ़िया शॉट, कोई फील्डर नहीं वहां पे, गेंद वन बाउंस मारा, एक और चौका, बल्लेबाजी करते हुए अधीनाथ के बल्ले से निकलता हुआ ये दे दनादन 4 रन। 4 रन के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ एक और 11। इस ओवर की अंतिम गेंद बाकी, जो औसत के साथ बल्लेबाजी करना चाहती थी, अब यदि इस अंतिम गेंद के ऊपर चौका आता है तो एक सम्मानजनक स्थिति में आ जाएगी इस बार I-11 नावडी टीम। अंतिम गेंद है, 13 गेंदे बची है, खेलने के लिए तैयार बल्लेबाज। अच्छा शॉट ऑफ साइड में खेलना पसंद किया लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ बीच में और ओवर की हुई यहाँ पे समाप्ति। इस ओवर की बात करेंगे तो इस ओवर में आए 12। चले बैट लेके जाना है, ऐसा बल्ला ढूंढे जो छक्के और चौके मारने वाला बल्ला दीजिए उन्हें। टीम की टोटल की बात करेंगे तो 12 रन आने वाली 12 गेंदे और जीत की बात करेंगे तो 33 रन चाहिए। बैट की मांग कर रहे थे वे दोनों बल्लेबाज आदिनाथ और बिल्कुल प्रमोद। अगले गेंदबाज 16.50 के औसत के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। चलिए स्पीड अप कीजिए, 12 गेंदे 33 रन चाहिए, एक तगड़ी बल्लेबाजी करनी होगी, उड़ाने होंगे छक्के, उड़ाने होंगे चौके और इस बार गेंदबाज को दिखाना होगा आसमान। इस बार काफी रफ्तार के साथ फेंकी हुई गेंद ऑफ स्टिक के काफी बाहर, अंपायर सिग्नल इट इज वाइट, एक रन और जोड़ी जाएगी स्कोर कार्ड की तरफ। टीम की टोटल की बात करेंगे तो स्कोर 13 रन, अब बिल्कुल 32 रन चाहिए, हर ओवर में 16 रन आना बेहद जरूरी। जो आस्किंग रन रेट था 15 का अब बन चुका है 16 का। गेंदबाज तैयार, फुल टॉस गेंद थी विकेटों के पीछे, इस बार मौका बनेगा रन आउट के तौर पर, आदिनाथ के पारी का होता हुआ खात्मा, एक विकेट मैदान से बाहर, आदिनाथ बैक टू द डगआउट निराश पूर्वक पैवेलियन का रास्ता नापते हुए। अब 11 गेंदे बची है और जीत की बात करेंगे तो बिल्कुल 32 रन चाहिए, 11 गेंदे 32 रन, कौन जीतेगा और कौन इस बार हार का मातंग मानेगा, ये तो आने वाली वक्त बताएंगे क्योंकि गेंदे बची है सिर्फ 11। 11 गेंदे 32 रन, सामना करेंगे प्रमोद के ऊपर इस बार भरोसा है, प्रमोद को इस बार सोचना होगा अच्छी बल्लेबाजी कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए अब जैसा, इस प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा लंबे छक्के और चौके मारने होंगे। गेंदबाज तैयार,
फुल टॉस, नजर हटी, दुर्घटना घटी, प्रमोद के पारी का होता हुआ खात्मा, एक और विकेट मैदान से बाहर, विकेट नंबर दो मैदान से बाहर, प्रमोद के पारी का खात्मा, लगता हुआ दूसरा करारा झटका। फुल टॉस गेंद ही तकनीकी तौर पर खेलना पसंद किया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं बना, नतीजा दंडीगुल। दस गेंदे बची है, 32 रन चाहिए, टारगेट धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, नामुमकिन जरूरी नहीं है लेकिन आपको इस बार अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। गेंदबाज तैयार, और फुल टॉस की गेंद थी, गुड लेंथ के स्पॉट पर फेंकी हुई गेंद, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं बना, जितनी गेंदें जाएगी डॉट उतना ही का प्रेशर, और प्रेशर के साथ हमेशा निकलते विकेटे, दो विकेटे हमने देखी प्रमोद और आदिनाथ का। अब समीकरण बिल्कुल हार्ड बनता जा रहा है, 9 गेंदे 32 रन, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, अब बची है 8 गेंदे 32 रन, यानी कि हर गेंद के ऊपर चौवा लगना जरूरी, जो बल्लेबाजी दिखाई थी वोलेब टीम के बल्लेबाजों ने वही बल्लेबाजी ईट का जवाब पत्थर से लेना होगा। अच्छा शॉट, बिल्कुल नजाकत भरा शॉट, गेंद को रोकना नामुमकिन के बराबर, 2 बाउंस बराबर, थर्ड मैन सी मारेगा के बाहर, 10 तक में मस्तक मिलते 4 रन, चले 1-4 तो बना, अब 7 गेंदों के ऊपर क्या 7 चौवे आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बल्लेबाजी करते समय अंतिम गेंद जरूर बची है। टीम की टोटल की बात करेंगे, स्कोर कार्ड की तरफ रन संख्या बनती जा रही है 17, 7 गेंदे 28 रन, उसी अंदाज में खेला हुआ शॉट, रिप्ले कर रिप्रेजेंट करते हुए गेंद को रोकना इस बार नामुमकिन, गेंद सी मारेगा के बाहर, एक और चौवा आता हुआ बल्लेबाज जीतेश के बल्ले से निकलता हुआ, यह दूसरा संघर्ष में चौवा, अब बची 6 गेंदे और 6 चौवे, 4 छक्के की जरूरत है। चलिए स्पीड अप करें नावड़ी टीम, आपके पास समय बहुत ही कम बचा है, जो 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के डाले थे बल्लेबाज विजय खानाकर ने वही विक्रम इस बार दिखाना होगा। 6 गेंदे बचे, जीत की बात करेंगे तो 24 रन, यानी कि 6 गेंदों के ऊपर 6 चौवे और बिल्कुल 4 छक्के मारने होंगे बल्लेबाज को, बचे है गेंदे 6 और 24 रन की जरूरत है, सामना है करेंगे विजयी, बेहतरीन शॉट खेला है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में गेंद को रोका गया, बिल्कुल जान की बाजी लगते हुए, अब 2 रन बचेंगे, 2 रन से कुछ फर्क गिरने वाला नहीं टीम जयनमान वल्लभ टीम को, अब बची गेंदे है, जीत की बात करेंगे 5 गेंदे तो 22 रन, 5 और 22 का समीकरण बनता हुआ, इस बार नजर हटी, दुर्घटना घटी, बिग विकेट मैदान से बाहर, एक ऐसा मसीहा ढूंढना होगा जो इस मैच को बचाने में सक्षम बल्लेबाजी करनी पड़ेगी नेक्स्ट बल्लेबाज को, क्योंकि गेंदे बची है आप, आपके पास सिर्फ 4 और 22, यानी कि हर गेंद के ऊपर कड़ा संघर्ष जारी कर रखना पड़ेगा, 3 छक्के और 1 चौवा, चार गेंदे और 22 रन की आवश्यकता, गेंदबाज तैयार, ऑन साइड में खेलने की कोशिश, अब बिल्कुल 3 गेंदे बचे, 21 रन चाहिए तो ऊंची उड़ान भरती हुई जयनमान वल्लभ टीम, अच्छा प्रयास रहा आज के दिन में, सुपर 8 में बिल्कुल लकी ड्रॉ मिला खुटारे टीम को, सुपर 8 में हम देखेंगे जरूर अगली गेंद, ये गेंद लेग स्टिक के काफी बाहर, दंडित घोषित किया, अब बची 3 गेंदे बचाने बनाने, बिल्कुल 20 रन, बिल्कुल ढेर सारी उम्मीद थी विजय के साथ लेकिन अब 3 गेंदे 20, ऑन साइड में खेला हुआ शॉट, 1 ही रन मिलेगा, दिस मैच से ओनली गॉट मिरेकल, इस मैच को एक देवी चमत्कार ही बचा सकता है। अब बची 2 गेंदे 19 रन, औपचारिकता बची है,
6:32 यहाँ पे पूरे होते हुए, ये वाइट दो गेंदे और 20 अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने की कोशिश। चलिए अंतिम गेंद बाकी है, तो लगभग इस मैच में अपना जीत का झंडा लहराती हुई वल्लभ टीम, बहुत ही अच्छा प्रयास रहा I-11 नावड़ी टीम का, बल्लेबाजी मजबूत दिखाई वल्लभ टीम ने। चलिए गेंद को उड़ाया, फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन, तो सुपर 8 में दाखिल हो चुकी है इस बार बिल्कुल वल्लभ टीम। जय हनुमान वल्लभ टीम, थैंक यू सो मच। गावदेव क्रिकेट क्लब पेंधर आयोजित नगर सेवक ट्रॉफी 2021